गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। सजावट के फूल के कारोबारी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, 7 वर्षीय बेटी गंभीर जहर खाने से मौत की खबर पर पहुंची कोतवाली थाने की पुलिस। जांच में ठंड लगने से दीपक की मौत की बात आई सामने, पुलिस ने एहतियात के तौर पर पोस्टमार्टम के लिए कस्टडी में लिया शव। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई गोरखपुर महोत्सव की तैयारी बैठक, कार्यक्रम के स्थल के चयन के साथ कार्यक्रम के सफल आयोजन के दिए निर्देश। जिला अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई गोरखपुर महोत्सव में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम संबंधित बैठक, कहा जल्द करे सांस्कृतिक कार्यक्रम के कलाकारों के नामों का चयन जिससे सफल हो सके आयोजन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। राजघाट स्थित आधुनिक अंत्येष्टि स्थल का महापौर और नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण, प्रदूषण मुक्त दाह संस्कार की मशीनों का लिया जायजा, कहा बहुत जल्द मुख्यमंत्री कर सकते हैं लोकार्पण। एसएसपी की अध्यक्षता में जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों सहित सभी संभागों के प्रभारियों के साथ अपराधों पर समीक्षा बैठक हुई संपन्न, रात्रि गश्त बढ़ाने और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए दिए निर्देश। क्रिसमस के अवसर पर सेंट जोसेफ स्कूल में केक काटकर मनाया गया प्रभु यीशु का जन्मोत्सव, प्राचार्य ने लोगों को दी क्रिसमस और नए साल की शुभकामनाएं। एसपी क्राइम की अध्यक्षता में संपन्न हुई व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक, व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं पर हुई चर्चा, निस्तारण की बनी रणनीति। गोरखपुर में मंगलवार को मिले 38 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत, जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 20,767। अब तक 337 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 338 हुए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। सूत्रीय मांगों को लेकर पटरी व्यवसायियों ने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन, मांगों को पूरा करने की मांग। गोरखपुर विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम सागर नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में डॉक्टर नाजिस बानो द्वारा रचित पुस्तक का किया गया विमोचन, अतिथियों को बुके देकर किया गया सम्मानित। और क्रिसमस के अवसर पर शास्त्री चौक स्थित क्राइस्ट चर्च में क्रिसमस ट्री और कैंडल लाइट का हुआ आयोजन, प्रभु यीशु को किया गया याद।